Hello and welcome back to Brian. Today's video will be very interesting painting because आज painting करने वाला हूँ Big Boss की owner Rubina Dilip को. Okay guys, जो लोगों ने ये video देख रही हो, जितने सारे Ruby Holics हो, Rubina वो and जितने सारे Ruby दी को love करते हो, please video को last तक देखते रहना. एंड नए जो लोगों ने मेरे चैनल पे आया है प्लीज सब्सक्राइब करके जाना. ओके चलिए स्टार्ट करती हूँ. रुबीना दिलेक एक सच्ची इंसान है, इसलिए तो रूबी दी मेरे एंड आप सभी लोगों की दिल जीत लिया. मैं रूबी दी बोल रही हूँ बिकॉज रूबी दी मेरे से बहुत बहुत बड़ी है एंड आई थिंक इतनी छोटी होकर उनकी नाम से पुकारना अच्छी संस्कृति नहीं है एंड दिल से भी बड़ी दी जैसे ही मानती हूँ. मैं भी उनके जैसे सिंपल गांव में रहती हूँ. मेरे को जब उनकी लाइफ स्टोरी पता चला सचमुच मैं उनकी फैन हो गई. सच बात तो ये एक छोटी सी शहर के छोटी सी गांव से बाहर होकर कुछ करने वाला को बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, इसलिए रूबी दी ने हम सबको मोटिवेट करते हैं. मेरे रूबी दी से आलाप हुआ सिर्फ कुछ दिन हुआ, वो भी बिग बॉस की मदद से, बट उन्होंने इतनी अच्छी है इतनी प्यारी है मेरे तो दिल जीत लिया. आप लोग मेरे चैनल की ऑल वीडियो चेक कर सकती हो. मैं आज तक कोई भी सेलिब्रिटी की पेंटिंग नहीं किया क्योंकि मैं नेचर को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, लव करती हूँ, इसलिए फूल पत्ते एनिमल माउंटेन ये सब मैं पेंटिंग करती हूँ. बट ह्यूमन की दो पोर्ट्रेट है आई थिंक दो, वो सिर्फ प्रोसेस को दिखाने के लिए, बट वो दोनों कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है. देखो मेरे घर में टीवी नहीं है एंड कॉलेज क्लास ये सब के बाद जो टाइम मिलते हैं तब पेंटिंग करती हूँ, इसलिए कोई भी सेलिब्रिटी के बारे में ज़्यादा मेरे को पता नहीं है. बट जब रूबी दी की बात सुना और जब किया तब उनके बारे में मेरी इंटरेस्ट और बढ़ने लगा एंड मैं उनको और जानने लगा. उनकी स्टाइल मेरे को बहुत पसंद है, उनकी जे सब ओहो क्या बताऊँ यार, और उनकी गाँव मेरे को बहुत पसंद है. उनकी यूट्यूब चैनल पे जब देखा रूबी दी एंड अभिनव भैया की माउंटेन ट्रिप फॉरेस्ट ट्रिप मैं तो क्रेजी हो गई. सचमुच मेरे वो दोनों पे दिल आ गई क्योंकि आई लव नेचर नेचुरल चीज, इसलिए उन लोगों की पेंटिंग ना करके रहा नहीं दिया. लेकिन बिग बॉस के फाइनल के दिन जब रात पे सुना लिगोनी टॉप थ्री पे नहीं है, उनको बाहर कर दिया मेकर ने राहुल वैद्य की वोट ज्यादा आने के लिए क्योंकि आली गोनी के फॉलोअर्स राहुल को वोट करे इसलिए. उस टाइम ये न्यूज सुन के बहुत बहुत टेंशन में पड़ गई मैं, जब एग्जाम के टाइम होती है उस टाइम की बात. तब मैं ये कर रही हूँ जेसस को प्लीज रूबी को जीता दो जीता दो. उन्होंने तो मेरी बात सुन लिया एंड थैंक यू ऑल रूबी लवर्स, थैंक यू ऑल रूबी हॉलीज, रूबी पांडम, रूबीना थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सब लोग ने रूबी दी को वोट किया, इतनी सपोर्ट किया, इसलिए उन्होंने विनर हो गई. मैं सोचा था बिग बॉस की फाइनल के दिन ही मैं पेंटिंग को पोस्ट करूंगी, इसलिए मैं बहुत मेहनत किया, रात रात जाग के पेंटिंग किया, बट एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई इसलिए मैं पोस्ट नहीं कर पाई. बट उस दिन मैं शॉर्ट वीडियो डाला था, जो लोग देखा. ओके गाइज प्लीज़ अवॉइड माई हिंदी लैंग्वेज बिकॉज मैं एक बंगाली हूँ, इसलिए गाइज आप सभी लोगों को मेरे विनती निवेदन ये है जितने लोग रूबी दी को और अभिनव भैया को लव करती हो, रूबी हॉर्लिक्स हो, रूबी नाप हो, ऑल गाइज प्लीज़ शेयर दिस पेंटिंग शेयर दिस वीडियो जब तक ना ये वाला वीडियो रूबी दी एंड अभिनव भैया ने देखे. ओके क्योंकि ये वाला पेंटिंग मैं वो दोनों को भेजना चाहती हूँ, गिफ्ट देना चाहती हूँ, बट कैसे मेरे को पता नहीं. मैं पहले बता मैं गांव में रहती हूँ, उनकी एड्रेस कुछ भी मेरे को मालूम नहीं, इसलिए जब रूबी दी ये वीडियो देखेंगे तब उन्होंने मेरे को बता सकते हैं क्या करना पड़ेंगे मेरे को ये पेंटिंग भेजने के लिए. ओके गाइज ये है मेरे स्टोरी रूबी दी के लिए. ओके गाइज जितने सारे लोग रूबी दी को लव करती हो ये वाला वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए. ओके बोथ ऑफ गाइज रूबीना दिलाय की पिप फुर रे, रूबी हॉलिक्स की पिप फुर रे, रूबीना की पिप फुर रे, ऑल रूबी फैन की पिप फुर रे. एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी प्लीज गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. ओके गाइज हेल्दी रहना स्वस्थ रहना.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।